हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज है छठ का लास्ट डे और आज है पारन। तो आज सुबह से ही हम लोग उठ गए थे, 2:30 बजे उठे थे। उसके बाद ब्रश करने के बाद हम लोग खाना बनाने में लग गए थे जो कि छठ व्रती के लिए था। आज माँ लोग पूजा करने के बाद सुबह में और मंदिर सब जाने के बाद खाना खाएंगी, तो इसीलिए हम लोग उठे थे। और रात को ही मैंने सब्जी सब काट के रख लिया था, मसाला वगैरह पीस के फ्रिज में। फिर उसके बाद हम लोग खाना सुबह में बना देंगे, जो हम लोगों से बन सकेगा वो बना देंगे। उसके बाद फिर सब्जी और दाल, ये सब दो तरह के सब्जी, बैंगन आलू, बैंगन भरी और गोभी आलू और की सब्जी और दाल मैं बना के बन गया था। उसके बाद 5 बज गए थे तो मैं नहा के तैयार होके छत पे आ गए थे हम लोग। और ये सुबह का समय है। तो खाना बनाने के बाद हम लोग सुबह 4 बज गए थे। तो उसके बाद हम लोग नहा के, बच्चे लोग भी सभी लोग नहा के फिर छत पे हम लोग आ गए थे। और माँ गाना गा रही थी, तब तक हम लोग भी बैठे थे। अंधेरा ही था छत पे आने के बाद, तो
उसके बाद वो गाना गाने के बाद फिर ये देखिए सूर्योदय का समय हो गया था, अर्घ देने का समय हो गया था, तो लोग उठ गई। मैं उस समय से मैं ये नहीं, जो गीत गा रही थी मैंने उसको छोड़ दिया था, क्योंकि आप लोग भी गीत को एंजॉय कीजिए, सुनिए कि वो कैसे गा रही थी छठ पूजा का गीत। और इतना फास्ट रहने के बाद, निर्जला व्रत रखने के बावजूद भी वो इतना मतलब गाना गा रही थी, बहुत अच्छा लगता है उनके गाना। हम लोगों को तो नहीं आता है, लेकिन साथ में हम लोग भी गाते हैं। तो छठ पूजा का सुबह का ये अर्घ है, और माँ दे रही हैं, पूजा कर रही हैं, अर्घ दे रही हैं। तो देखिए आप लोग और इन्जॉय कीजिए। और सुबह के टाइम का अर्घ हो रहा, माँ दे रही थी, और यहाँ पे बच्चे लोग भी दूध ढार रहे थे, सभी लोग जितने भी परिवार के सदस्य लोग हैं, सभी लोग या आस पड़ोस जो भी हैं, जो लोग मौजूद रहेंगे, सभी लोग अर्घ देते समय दूध देंगे सूर्य भगवान को, और दूध ढारेंगे और जल ढारेंगे। तो यहाँ पे दे रहे थे, ये देखिए बच्चे बड़े सभी लोग दे रहे हैं, और बहुत ही श्रद्धा के साथ सब लोग मनाते हैं ये छठ पूजा। और अर्घ सारा सूप को माँ अर्घ दे चुकी थी, उसके बाद यहाँ पे पूजा चल रही थी, शायद गंगा मैया का पूजा कर रही हैं। और ये 4 दिन का जो पूजा है छठ पूजा, आज समाप्त हो जाएगा, और आज जो 36 घंटा का निर्जला उपवास भी आज समाप्त हो जाएगा। तो आज है पारण का दिन, और ये गंगा मैया का शायद मूर्ति बना के पूज रही थी मिट्टी के। तो ऐसा पूजा करने के बाद सभी लोग हवन करेंगे, हुमाद करेंगे, और सब लोग पूजा करेंगे। और उसके बाद जो भी सिंदूर लगाना, प्रसाद देना, या जो भी वो करती हैं शुरू से, उस तरह से सभी को करके उस तो पूजा करने के बाद वो सबको सिंदूर लगाई, और
प्रसाद दी, उसके बाद फिर घर में अपने भगवान जी जो हैं और देव कुल देवता हैं उनको पूजा करने के बाद फिर बगल में ही मंदिर है हमारे यहाँ, जो मैंने आपको पिछले वीडियो में सोमवारी वाले वीडियो में दिखाया था और दुर्गा पूजा वाले वीडियो में, तो वहीं हम लोग गए, मैंने आपको दिखाया था, तो यहीं पे हम लोग आ चुके हैं मंदिर में पूजा करने के लिए। और साथ में मैं भी आई थी और बच्चे लोग भी आए थे, मेरी ननद सासू माँ सभी लोग आए थे पूजा कर, बाकी लोग भी पूजा कर रहे थे। तो यहाँ पे देवी माँ का मंदिर है और उसी में ये बजरंगबली, भोलेनाथ और गणेश जी लक्ष्मी जी के मंदिर भी है यहीं पे, तो पूजा कर रही थी माँ और हम लोग भी पूजा किए। यहाँ पे बहुत सारे रिचुअल्स होते हैं जो उनको निभाना होता है, जो कि छठ पूजा करने के बाद छठ व्रती हैं वो पूजा करती हैं, और हर साल इस तरह से होता है। मैं हमारे यहाँ तो माँ दो बार छठ करती हैं, ये अभी जो ये छठ पूजा हुआ है वो वाला भी छठ पूजा करती हैं, और चैत्र नवरात्र के समय जो होता है चैती छठ वो भी करती हैं। तो ये देखिए यहाँ पे ये सात बहन हैं देवी माँ, सातों बहन का पूजा हो चुका है, सभी लोग कर चुके हैं और सभी लोग किए हैं, हम लोग भी कर लिए थे। और उसके बाद पूरा जो भी फल प्रसाद होगा वही सब लोग चढ़ाते हैं। यहाँ पे भीड़ होती जा रही थी धीरे धीरे, तो हम लोग पूजा भी कर रहे थे। तो देखिए तो यहाँ पे पूजा करने के बाद मंदिर से हम लोग बाहर आ गए थे, और उसके बाद ये सामने में ही मंदिर के सामने में ही पीपल और बरगद का पेड़ है, तो यहाँ पे भी हम लोग पूजा कर लेंगे। और पूजा करने के बाद फिर अपने घर जाएंगे, घर के पास वाले मंदिर में वहाँ भी हम लोग पूजा करेंगे। वहाँ पे भोलेनाथ का मंदिर है और वहाँ पे सभी लोग पूजा करेंगे। तो घर पूजा करने के बाद फिर हम लोग उसके बाद घर जाएंगे। मंदिर से आ चुके हैं पूजा करके, हम लोग माँ गई थी पूजा करने तो हम लोग भी साथ में गए थे, और उसके बाद कुछ खाना जो है वो बना चुके थे सुबह में सब्जी, और अभी आए हैं तो चावल और साग ये सब बनाना है, पकौड़ा छानना है, तो यही सब खाने के बाद तब तक वो अभी माँ जो है वो चाय पी रही, उनको चाय दे दी है पीने के लिए, और चाय पी रही है। उसके बाद फिर बन जाएगा तो हम लोग खाना देंगे, खाने के लिए तो पालन करेंगे। उसके बाद ये छठी मैया का जो पर्व है आज समाप्त हुआ, और छठी मैया आई थी अपने मायके, आज अपने ससुराल चली गई, उनका विदाई हो चुका है। तो यहाँ पे जो भी खाना बच गया था बनाना वो मैं बना रही हूँ, यहाँ पे सिर्फ पकौड़े और साग बनाना बाकी था, चावल तब तक मैं पूजा करके आई मंदिर से तो बनाई। तो ये है बैगन बड़ी का सब्जी, गोभी की सब्जी, चावल दाल, पकौड़े, चटनी और साग, यही सब है। तो मैं माँ के लिए खाना निकाल दी हूँ और वो खाएंगी, पारण करेंगी, तो बच्चे लोग भी साथ में उनके खाएंगे। और तो यहीं पे समाप्त हुआ ये छठी मैया का पूजा। तो ये फ़ोटोज़ है जो मैं इसमें डाल दी हूँ, ऐड कर दी हूँ, तो कुछ फ़ोटोज़ है, तो ये देखिए आप और इन्जॉय कीजिए। तो मिलते हैं।